अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? और क्या चल रहा है भाई? अभी तो हम वॉक कर रहे हैं, सुबह का टाइम है और यही अच्छा मौका है कि हम जो है वो आराम से अपनी डिस्कशन कर सकते हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। तो भाई, कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो जिनके हालात बहुत ख़राब होते हैं, तो वो बैकग्राउंड वाइज भी अच्छे नहीं होते, मतलब और जो सिचुएशन है वो इतनी वर्स होती है कि उनका सिनेरियो ऐसा बन जाता है कि वो लो लेवल पे चले जाते हैं और मेंटली भी लो लेवल पे चले जाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि यार मैं जो है ना वो कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यार मेरे पास ये मसला है। तो देखें, ये अल्लाह की सिचुएशन भी होती है, अल्लाह आपको सिचुएशन में भी डालता है कि आप जो है वो गरीब हैं या आप जो हैं वो इस तरह के हालात में हैं कि आपकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो रही है, और कोई बहुत अच्छे हालात में है तो उसने कोई कमाल कर दिया है, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा देखा गया है कि लोग कुछ भी नहीं करते और उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती, और एक बंदा बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। मसला जो आता है ना, वही आता है नालायकी का, वही आता है कि जब आप कोशिश करना छोड़ देते। अब इसकी सिचुएशन ये है कि हो सकता है उसने बहुत सारी कोशिशें करी हों और वो कामयाब नहीं हो रही हूँ, लेकिन उसका माइंडसेट जो है वो हार नहीं मान रहा हूँ। आपको ये ट्राई करनी है कि भाई आपको हार नहीं माननी है, अपने आपको नालायक नहीं बनना है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि नालायक हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि वो अपनी सिचुएशन से हार मान जाते हैं। दूसरा ये कि उनको क्या कहेंगे, एक तरह से एक हेल्प की उम्मीद हो जाती है कि कोई अगर हेल्प करता रहता है उनकी, तो वो बोलते हैं कि चलो भाई अभी आसरा बन गया, अब यही हमारी हेल्प करेगा और अब हम इसी पे रिलाई करते हैं। तो ये एक मसला है। और दूसरा मसला ये है कि वो इतनी अराउंड में इतने लोग होते हैं ना जो कि आसपास होते हैं, तो उनकी बात मानना शुरू कर देता है। जैसे कि अब केकड़े होते हैं ना, जैसे केकड़े अगर आपने देखे हों, केकड़े में जब आप पतीले में उसको डालते हैं ना, तो होता यह है कि वो आप उसको ढक्कन, अगर आप चाहते हैं कि वो केकड़े बाहर नहीं निकले पतीले से, तो आप क्या करेंगे भाई, उसमें ढक्कन डालने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, केकड़ा जैसे एक कोई केकड़ा ऊपर चढ़ता है ना, तो वो दूसरा उसको खींच लेता है, फिर तीसरा चढ़ता तो उसको खींच लेता, तो मतलब एक दूसरे को नीचे खींचते रहते हैं, किसी को बाहर नहीं निकलने देते। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी ये केकड़े हैं तो उनसे अवॉइड करें। मतलब वो बोलेंगे यार अब चलो ना, हम लोग मज़े करते हैं, घूमने जाते हैं, ये करने जाते हैं, सही है वो भी करें, लेकिन एक लिमिट होती। अगर आपके भाई घर में ही मसले चल रहे हैं और आपके रोज़मर्रा के ही मसले चल रहे हैं और आप घूम रहे हैं, तो सही नहीं है ना। घूमें फिरें, लेकिन आपको सब कुछ सेटल करके फिर घूमें फिरें ना भाई, ना आपको पहले कुछ बना लें। अब इसमें बड़े मसले हैं, वो कुछ एजुकेट भी नहीं कर रहे अपने आप को, कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, सब बोल रहे हैं भाई कुछ नहीं होता इससे और ये वो। तो अपना माहौल पहले चेंज करें, नालायक लोगों से दूर हो जाएं और इस तरह के लोगों की सोबत में रहें जो कि लायक हैं और जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जो लोग हेल्प करते हैं वो कोशिश करें कि उस बंदे पर इन्वेस्ट करें जिसका मसला ये ना हो कि वो आपकी मदद के लिए ऊपर लाई ना कर जाए आपके ऊपर, मतलब आपके ऊपर बोझ ना बन जाए, तो ये कोशिश करें, ठीक है ना। जिस तरह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि भाई एक रुपये डालूंगा तो 10 रुपये मिलेंगे और इधर एक रुपये डालूंगा तो 100 रुपये मिलेंगे, तो उस हिसाब से आइडेंटिफाई करें और उस बंदे पर इन्वेस्ट करें। टाइम मनी एफर्ट सब होता है, उसे मनी नहीं देना होता, एफर्ट भी करना होगा, कोई एफर्ट से हेल्प करे, कोई टाइम दे के हेल्प करे, सही है। तो ये करके फिर आप जो है उसको आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि किसी ऐसे बंदे की हेल्प कर रहे हो जो आपकी हेल्प से ख़राब हो, तो ये ड्राइव, ठीक है ना। चलो अल्लाह हाफिज़।